समस्तंकु मोर नमस्कार मु दीप्ति आपण मानकु स्वागत करूछि मो यूट्यूब चैनल डीएस आम्बिशन को ओडिसा जीविका मिशन रो आसीथिबा चिट्ठी अनुसार प्रत्येक स्वयंसहायक गोष्ठी को ऑडिट करा जिवो। प्रकृत रे स्वयंसहायक गोष्ठी को काहे कि ऑडिट करा जिवो, केबे ही ऑडिट करबा निहाति आवश्यक, ता आज रे वीडियो रे आमे आलोचना करबा। आशा करूछि आपण माने शेष जाय मोर ए वीडियो स जोडियो हे रहिबे। आपण मानकर सुचिंतित मातामत कमेंट बॉक्स जणाइबे। जदि भिडियोटी भल लगला तबे लाइक करिबे, शेयर करिबे। जदि हमर चैनल को नुवा करि विजिट करछन तबे सब्सक्राइब करय को भूलिबे नाही। स्वयंसहायक गोष्ठी जहाँ को आम सेल्फ हेल्प ग्रुप बोली कहते, जहाँ निज द्वारा परिचालित अनुष्ठान अटे, अर्थात यही अनुष्ठान जो मैंने सामिल हमें से द्वारा ही नीति नियम प्रणयन होता है। सेमाने से ही नीति नियम को मानती और से ही अनुसार ही से स्वयंसहायक गोष्ठी को सेमाने आग को नहीं था। जदि कौन सदस्य नीति नियम न मानती, सेमानक द्वारा ही दंड विधान स्थिर करा जाय थाय। अर्थात स्वयंसहायक गोष्ठी सदस्य माने निजे होउछंती चोर, निजे होउछंती वकील, निजे होउछंती पुलिस, निजे होउछंती जज। जेहेतु स्वयंसहायक गोष्ठी सदस्य माने निज द्वारा नीति नियम प्रणयन करउछंती, तो से ही नीति नियम मध्यरे स्वयंसहायक गोष्ठी को ऑडिट करबा निहाति रहितबा आवश्यक। तो ऑडिट द्वारा स्वयंसहायक गोष्ठी कौन लाभ होइथाय ताहा एबे आमे आलोचना करबा। तो जेउ अनुष्ठान रे एकाधिक सदस्य शामिल होउछंती आ जदि सेही अनुष्ठान रे आर्थिक कारबार करा जाउछि, त निश्चित हबे सेही अनुष्ठान को प्रत्येक वर्ष ऑडिट करबा निहाति आवश्यक। ऑडिट करबा द्वारा क्यों क्यों सूत्र रो टंका आसुछि, क्यों ठाकु टंका जाउछि, टंका रो आय व्यय अटकल कोन रहिछि, केते लाभ रहउछि, केते क्षति रहउछि, ताहा प्रत्येक अनुष्ठान जानी पारि था। जेहेतु एही स्वयंसहायक गोष्ठी रे एकाधिक सदस्य शामिल होउछन्ति, समस्ते संचय राशि देउछन्ति, ऋण कारबार करउछन्ति, बाह्य अनुष्ठान रो ऋण आणुछन्ति, सेही ऋण को परिशोध करउछन्ति, ता सहित गवर्नमेंट रो विभिन्न प्रकार फंड मध्य स्वयंसहायक गोष्ठी को आसुछि, तेणु आर्थिक कारबार को स्वच्छता करबा लागि निश्चित भाबे स्वयंसहायक गोष्ठी को ऑडिट करबा निहाति आवश्यक। ऑडिट करबा द्वारा स्वयंसहायक गोष्ठी रे स्वच्छता आसीथाय, एहा सहित सेथिरे शामिल थिबा सदस्य मानक मधरे कोनोसी शंका रहे नाही, सेमानक मध्यरे मध्य स्वच्छता आसीथाय। जेपरि कि आपण को जदि कोनोसी एक स्टील ग्लास रे किछि जल रखि पचरा जाय, तो एथिरे कोण अछि, तो समस्त सदस्य माने अलगा अलगा मत देबे, किए एथिरे पानी अछि कहिबे, किए एथिरे जूस अछि कहिबे, किए एथिरे गरम पानी अछि कहिबे, एमिति विभिन्न प्रकार मत आसीबो। किंतु आपण माने जदि सेही पानी को एक काच ग्लास रे रखि पचारिबे, ताले निश्चित हबे समस्तंकर उत्तर समान आसीबो। आउ केते पानी अछि, सेही पानी केते विशुद्ध, केते सेथिरे जदि किछि अळिया रहिछि, तो समस्त सदस्य ठीक भाबरे उत्तर देई पारिबे, तो समस्त उत्तर समान आसीबो। सही परी जदि आमे स्वयंसहायक गोष्ठी को ऑडिट करुछंती, तो निश्चित भाबे सही गोष्ठी रे कोन आर्थिक कारबार होउछि समस्त सदस्य जानि परिबे, समस्तक मधरे स्वच्छता आसीबो, समस्तंकर उत्तर समान आसीबो, कहा मन रे संदेह आसीबो नाही किंबा शंका आसीबो नाही, जहाँ द्वारा कि स्वयंसहायक गोष्ठी टी भविष्यत रे एक मजबूत अनुष्ठान होई रहि पारिबो, समस्तक मधरे एकता मध्य रहि पारिबो। जदि स्वयंसहायक गोष्ठी रे कोनोसी अर्थ कारबार रे कोनोसी गंडगोल रहिथाय, ता मध्य ऑडिट द्वारा धरा पड़िबो, एहा काहि के हला, कहा द्वारा हला, किपर हला, किपर हा को समाधान करा जाय पारिबो, समस्त सदस्य निश्चित हबे निष्पत्ति नै पारिबे। एहा छडा जेहेतु प्रत्येक सदस्य प्रति मास सेमानकर संचय राशि स्वयंसहायक गोष्ठी रे प्रदान करुछन्ति, तो निश्चित हबे प्रत्येक सदस्य मन रे सेही गोटे प्रश्न रहिबो, आमर टंका केते सुरक्षित, कहा पाकर रहिछि, किपर रहिछि। जदि आमे ऑडिट करुछन्ति, ताले प्रत्येक सदस्य जानि पारिबे प्रकृत रे सेमाने जो संचय राशि देउछन्ति, तो से केते सुरक्षित आउ क्यों ठारे किपर रहिछि, ता ठीक भाबरे रहिछि कि नाही। यहाँ छड़ा ऑडिट करबा द्वारा गोटे स्वयंसहायक गोष्ठी केते लाभर अछि, केते क्षतिर अछि, ताहा जणा पड़ी थाए। जदि स्वयंसहायक गोष्ठी रे आर्थिक कारबार ठीक अछि, तो निश्चित हबे स्वयंसहायक गोष्ठी टी लाभर रहिबो, केबे हेले स्वयंसहायक गोष्ठी क्षतिर रहिबो नाही। मने करा जाउ गोटे स्वयंसहायक गोष्ठी रे 12 जण सदस्य रहउछन्ति, तो प्रत्येक मास सेमाने मासिक 100 टका लेखाए प्रत्येक सदस्य प्रदान करुछन्ति, तो जेतेबेले स्वयंसहायक गोष्ठी टी गोटे वर्ष ऑडिट करा गला देखा गला, सेही वर्ष रे सेही स्वयंसहायक गोष्ठी टी 24,000 टका लाभ करिछि, तो जदि आमे लाभांश को बांटिबा, ताले प्रत्येक सदस्य 2,000 टका लेखाए लाभांश पाइबे, किंतु सेमाने प्रदान करिछन्ति मात्र 1200 टका, तो निश्चित हबे स्वयंसहायक गोष्ठी जो सदस्य माने शामिल होइछन्ति, तो 1200 टका बदल रे जेतु 2000 टका पाउछन्ति, तो निश्चित हबे सेमानक मन रे आहुरी आग्रह रहइबो स्वयंसहायक गोष्ठी किपर आहुरी आग को अग्रगति करइबो, किपर एही लाभांश आहुरी बढ़िबो। त
आपण माने देखिथिबे जे पर्यंत आपण माने आखु को न चबाउचंती से पर्यंत से आखु केते मीठा तो ताहा आपण माने जानी परिबे नाही। सेही परे जे पर्यंत आपण संसार गोष्ठी को ऑडिट करूनाती तो संसार गोष्ठी रे शामिल हेले केते लाभ आपण जो संचय राशि प्रदान करछन ताहा केते सुरक्षित ताहा केबे हेले आपण जानी परिबे नाही। सेथि लागि निश्चित हेबे संसार गोष्ठी टू ऑडिट करबा निहाति आवश्यक। यहाँ छड़ा जदि कौनसी स्वयंसहायक गोष्ठी आपण ऑडिट करबा समय रे आपण माने भावुछन जे सेही स्वयंसहायक गोष्ठी टी ऑडिट रिपोर्ट रे खेती आसुची तो काही की खेती हला कहा द्वारा खेती हला ताहा जणा पड़ी थाए आ जेती की टंका खेती होई छी होय तो सेही मेंबर ग थारो रिकवरी करा जाई पारे। आ स्वयंसहायक गोष्ठी रे खेती हले जणा पड़े निश्चित आबे स्वयंसहायक गोष्ठी रे आर्थिक कारोबार ठीक नाही तो कहा द्वारा यही आर्थिक कारोबार ठीक हो नाही से सदस्य जण को मध्य चिन्हट करा जाई पारे जहाँ द्वारा कि भविष्य में स्वयंसहायक गोष्ठी में केबे हेले गंडगोल परिस्थिति सृष्टि होई नथाय। तेणु प्रतिवर्ष स्वयंसहायक गोष्ठी को निहाती ऑडिट करबा आवश्यक। जदि वर्षक वर्ष आपण ऑडिट करुछंती तो स्वयंसहायक गोष्ठी प्रतिवर्ष केते लाभ कला और जदि क्षति होइछि केते क्षति होइछि ताहा जणा पड़िथाय। जदि कोनोसी सदस्य द्वारा किछि क्षति होइथाय किबा सदस्य माने मिसि करी कोनोसी टंका को नै अलगा अर्थ रे व्यवहार करुछंती तो ता द्वारा से खेतीर परिमाण को शीघ्र रिकवरी करा जाई पारे। किंतु यहा को जदि आपण प्रतिवर्ष न करुछंती तो एही खेतीर परिमाण धीरे धीरे बढ़िबारे लागिबो जहा द्वारा कि स्वयंसहायक गोष्ठी टी भविष्य रे भांगी जिबार संभावना रही। तो स्वयंसहायक गोष्ठी को क्यों तारीख रे ऑडिट करा जिबो निश्चित हेबे स्वयंसहायक गोष्ठी रा नीति नियम रे यहा को जोडा जिबा आवश्यक। तो यहा आपणकर आर्थिक वर्ष अनुसार किबा स्वयंसहायक गोष्ठी जेउ तारीख स्थिर करिवो सेही तारीख हिसाब रे स्वयंसहायक गोष्ठी को ऑडिट करा जिबो। किंतु ओडिसा जीविका मिशन रु आसीथिबा चिट्ठी अनुसार स्वयंसहायक गोष्ठी को प्रति आर्थिक वर्ष ऑडिट करा जिबो अर्थात एप्रिल मास रु मार्च मास जाय स्वयंसहायक गोष्ठी रे जहां भी आर्थिक कारबार होई छि केते टंका आदान होई छि केते टंका प्रदान होई छि केते टंका खर्च होई छि केते टंका इनकम होई छि ता सहित केते ताकर दायित्व रही छि आ केते ताकर लाभांश रही छि केते संपत्ति रही छि से सब को निश्चित भाबे प्रति वर्ष हिसाब करा जे। यहां सहित स्वयंसहायक गोष्ठी रा लाभांश को देखि तार रिपोर्ट को देखि निश्चित भाबे स्वयंसहायक गोष्ठी आगामी वर्ष लागि विभिन्न प्रकार आर्थिक योजना प्रस्तुत करथाय। यहां सहित अण आर्थिक योजना मध्य प्रस्तुत करथाय। ता सहित स्वयंसहायक गोष्ठी यदि बाह्य अनुष्ठान थारु कोनोसी आर्थिक सहायता पाइबा को चाहुचि तो निश्चित भाबे एही रिपोर्ट को देखि स्वयंसहायक गोष्ठी रा बाह्य अनुष्ठान माने सेमानको आर्थिक सहायता प्रदान करबा लागि आग्रह प्रकाश करिवे। तेणु ओडिसा जीविका मिशन रु आसीथिबा चिट्ठी अनुसार प्रत्येक स्वयंसहायक गोष्ठी को आपण माने निश्चित भाबे सहयोग करबा दरकार। एही ऑडिट कार्य ति संपूर्ण रूपे करबा दरकार जहा द्वारा कि स्वयंसहायक गोष्ठी रा लाभांश आपण जानि परिवे स्वयंसहायक गोष्ठी रे स्वच्छता बजाय रहिबो कहा मनरे भी शंका रहिबो नाही आर्थिक कारबार रे केबे हेले गंडगोल हेबो नाही। तो स्वयंसहायक गोष्ठी को ऑडिट करबा समय रे केउ केउ खाता को व्यवहार करा जिवो किपर यही ऑडिट कार्यक्रम करा जिवो केउ केउ रिपोर्ट आपण माने प्रस्तुत करबे ताहा मोर आगामी वीडियो रे आपण मानक सहित आलोचना करबी। एही पर आग को नुआ नुआ अपडेट जानिबा लागि निश्चित आबे आम चैनल डीएस एम्बिशन स जोडी होइ रहंतु। समस्त को मो तरफ रु आम चैनल तरफ रु बहुत बहुत धन्यवाद।